नमस्ते माय फ्रेंड्स, मेरे गार्डनिंग आइडिया चैनल पर सबका स्वागत है। ये जो प्लांट आप देख रहा है आज, इसका नेम है सीजियम। इसका केयर आप कैसे ले सकता है एट होम पे, वही आज लोगों के साथ आप मैं शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जिसने भी मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एट फर्स्ट मैं इस प्लांट को बारे में कुछ बोलता हूँ। देखिए, इस प्लांट का लीव्स देखिए रेड है, और इसका एक वैशिष्ट है प्लांट का, ये लीव्स पहले रेड होता है, उसके बाद प्लांट का लीव्स येलो होता है, देन ये ग्रीन आकार का लेता है, ठीक है। और देखिए, ये मेरा 2 ईयर्स का प्लांट है, और अच्छे से शंकु आकृति लिया है, और मैंने इसको कोई शेप भी नहीं दिया, कटिंग भी नहीं किया, ये अपना अपनी ये शंकु आकृति ले लिया। जब मैं इस नर्सरी से ये प्लांट आना था, तो इस मैं प्लांट का बारे में कुछ नहीं जानता, बहुत लोग ये सीजियम का बारे में नहीं जानता है, ये प्लांट का नाम भी नहीं जानता, मैं भी पहले नहीं जानता था, तो इसका केयर का बारे में ही मैं नहीं पता था। तो मैंने 2 ईयर्स बाद जब इसका पूरा पूरी केयर मेंटेनेंस कैसे करता है, केयर कैसे कर लेता है, वो जान चुका हूँ, देन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये प्लांट को आपका होम पे, गार्डन पे और आपका ऑफिस में डेकोरेशन करने हो तो ये प्लांट आप रख सकते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेटिंग हो गया आपका, बहुत सौंदर्य जो बढ़ेगा आपका गार्डन, होम, ऑफिस पे, और बहुत अच्छे से डेकोरेटिंग प्लांट भी ये है। तो चलिए, एट फर्स्ट मैं इसका मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए देखिए, मैं इसका पॉट का साइज़ देखिए, ये 8 इंची का पॉट में मैं इसको प्लांटिंग करा था जब मैं आना था 2 ईयर्स पहले। देखिए इसका कांड देखिए कितना बड़ा हो गया और मोटा भी हो गया, और मिट्टी देख पा रहा है आप, मैं कितना ये 2 ईयर्स तक मैंने एक भी मिट्टी चेंज नहीं किया, और मैंने मिट्टी रिप्लेसमेंट भी नहीं किया, ऐसा ही मिट्टी मैंने 2 ईयर्स पहले दिया था। मैंने टॉप्स है, मैंने जो पॉट से देखिए 2 इंची छर के मैं मिट्टी डाला हूँ, ठीक है। एक बारी नीचे पे मिट्टी है, बिल्कुल ऊपर भी नहीं है, देख पा रहा है। तो पहले आता हूँ इसका मिट्टी कैसे आप तैयार कर सकता है। और पहले ये जब प्लांटिंग करेंगे ये प्लांट, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो गया तो ये प्लांट एकदम भी मर सकता है। तो जब आप पॉट आएंगे तो उसका नीचे से आप छोटा छोटा जो ईंट का टुकड़ा है ना वो दे दीजिए, देन उसके बाद मिट्टी गार्डनिंग सॉइल देना आप 50%, उसके साथ आप गोबर सार, 1 ईयर का गोबर सार आप देना 20%, और उसके साथ आप 10% देना आपका कंपोस्ट। तले कितना हुआ, 50, 20 एंड 10, 80% हुआ। कंपोस्ट देना 10%, गोबर सार देना 20%, और 50% आप गार्डनिंग सॉइल, उसके साथ आप 10% देगा हर गुड़ा, और 10% देगा आपका सिंग कुची, सिंग गुड़ा, जो हॉर्न डस्ट और बोन डस्ट अब मिलता है, जिसका हॉर्न डस्ट नहीं मिलेगा, बोन डस्ट नहीं मिलेगा, दोनों के एक नहीं मिलेगा, वो थोड़ा गार्डनिंग सॉइल बना दीजिएगा, 60% कर दीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप ये प्लांटिंग पॉट प्लांट को आप पॉटिंग कर सकते हैं वो मिट्टी तैयार करके। मैंने इसको सैंड नहीं यूज़ करा, क्योंकि ये सैंड से जब आना था तो नर्सरी वालों ने मुझे बोला था कि ये ज़्यादा वाटर गोरा पे रहेगा तो ये प्लांट मर सकता है, तो मैंने इसको सैंड नहीं यूज़ करा, क्योंकि सैंड पे थोड़ा थोड़ा वाटर जम सकता है, इसीलिए मैंने सैंड नहीं यूज़ करा। देखिए रूट का, देखिए देख पा रहा है कि रूट लाल लाल जो अंश दिख रहा है वो रूट है, और पूरा पॉट रूट से भर गया। अभी मैं 4-5 दिन बाद ये पॉट का मैं रिपोर्टिंग करूंगा, और ये छोटा वाला पॉट से मैं
20 इंची पॉट में ये प्लांट बसाऊंगा। ठीक है, तो ये तो गया प्लांट का मिट्टी कैसे तैयार करने का प्रोसेस। देन प्लांट का मिट्टी के बाद आता है आप कितना दिन छाया पे सेट पे रखेंगे। ठीक है, वो पॉटिंग करने का बाद आप 10 डेज तक सेमी सेट पे ये रख दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा धूप नहीं पसंद कर सक कर करने वाला प्लांट नहीं है। ज़्यादा धूप ये नहीं सहन कर पाता और नाजुक वाला प्लांट है। देखिए मेरा बहुत सारा ये इसका न्यू न्यू लीव्स आ रहा है और देखिए लाल लाल छोटा छोटा ये पूरा प्लांट रेड हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्लांट रेड हो जाएगा, रेड होने के बाद येलो हो जाएगा, देन ऐसा ग्रीन होता है। ये 2 साल से हो रहा है, हाँ जो बोल रहा हूँ। आप पूरा सेमी सेट 7 दिन रखना, तो 7 दिन के बाद जहाँ धूप भी आता है और छाया भी पड़ता है वो 7 दिन के बाद आप इस पर वहाँ पर रख सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप रख सकता है। ये गया कैसे मिट्टी तैयार कर सकता है और 7 दिन का 10 डेज का 10 डेज का तैयारी। देन उसके बाद आप इस प्लांट का क्या कौन सा खाना देंगे, फीडिंग कैसे करेंगे। देखिए मैं इस पर एक भी इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र मिलता है वो एक भी नहीं यूज़ करा। DAP NPK एक भी नहीं यूज़ करा, मैं पहले ही गोबर सार यूज़ कर दिया, उस पर बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है। और NPK आपका सिंह पूछी जो यूज़ करा उस पर भी नाइट्रोजन रहता है। और एक भी मैं ऑर्गेनिक नहीं यूज़ करा, ऑर्गेनिक यूज़ करा, इनऑर्गेनिक नहीं यूज़ करा। ऑर्गेनिक मैं क्या क्या यूज़ करा, ऑर्गेनिक मैं खोल गुड़ा जो मास्टर ऑयल केक मिलता है ना, जो मास्टर ऑयल केक मिलता है उसका मैं लिक्विड करके, कैसे लिक्विड करता है वो मैं दिखा दूँगा। लिक्विड करके मैं 15 डेज बारी बारी से ये पॉट में देता रहा चारों धारों से। पहले मैं पानी देके भिजाने का भिजा पानी देके मैं ये मिट्टी गीला कर देता हूँ, उसके बाद मैं वो मास्टर ऑयल केक डालता पानी से भिजो के। ठीक है, ये मैंने समर पे यूज़ करा, अभी तो मानसून चल रहा है तो अभी मास्टर ऑयल केक मैंने भिगो के नहीं दिया। अभी मैं इसको मास्टर ऑयल केक वो जो गुड़ा करके छिड़क दिया। ठीक है, प्लेन वो मास्टर ऑयल केक यूज़ करके मैं 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लांट का ऐसे ग्रोथ हुआ है और बहुत शंकु आकृति लिया है। ठीक है, इसका फीडिंग सेप मास्टर ऑयल केक है, मास्टर ऑयल केक का लिक्विड और मास्टर ऑयल केक है और कुछ नहीं फीडिंग यूज़ करना। और आप कंपोस्ट आप थोड़ा कम देंगे तो, जब प्लांटिंग करेंगे उसके कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा कम देंगे तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके कंपोस्ट आप इस पॉट में दे सकता है। और कुछ नहीं, ये ऑर्गेनिक यूज़ करके आप इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। ठीक है, हो गया फीडिंग प्रोसेस। फीडिंग के बाद आता है आप वाटर कितना परिमाण इस प्लांट को देंगे। देखिए ये ज़्यादा वाटर देंगे तो इसका बहुत सारा लीव्स आएगा। देखिए आप तो बारिश मानसून चल रहा है ना, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है मेरा, क्योंकि प्लांट गोल हो गया तो वाटर वो पॉट में नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं जाता, निकल जाता है। तो ये मानसून पे बहुत देखिए कैसा ग्रोथ हो रहा है। देखिए आप तो वाटर आप हर दिन वाटर डालना और ज़्यादा पूरा प्लांट को भिगो देना तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो लेंगे। ठीक है, ये करना वाटर डालना। वाटर का बाद आता है आपका कोई फंगस लगता है कि नहीं, आपका कोई बैक्टीरिया लगता है कि नहीं, और कोई कीट इस पर लगता है कि नहीं। हाँ, बैक्टीरिया लगता है, इसका लीव्स बर्न होना शुरू हो जाता है, लिप्स बर्न होना शुरू हो जाता है, वो फंगस वाला लगता है। देखिए मेरा अभी भी लिप्स नहीं बर्न हुआ, बट 1 ईयर का जब था ये तो लिप्स बर्न होने चालू हो गया। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने थोड़ा साफ वाला फंगिसाइड इस पर छिड़क था, 0.1 और 2 ग्राम लेके 1 लीटर पानी पे भिगो के आप स्प्रे करेंगे तो ये प्लांट का पत्ती बर्न होना चला जाएगा और कोई भी फंगस इस पर नहीं लगता। ये डेकोरेशन प्लांट है इसीलिए बहुत अच्छे से ये सेव लेता है,
एक बार यह ग्रो होने पे स्टार्ट हो गया तो इस पर और कोई फीडिंग करने को ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ मास्टर ऑयल केक का वाटर देने से, लिक्विड देने से यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। तो ऐसा ही करके आप इस प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकता है। और जिसने भी अभी तक ये प्लांट का नेम नहीं जाना, वो जान लीजिए इसका नाम है सीजियम। और बहुत कम दाम से आप नर्सरी पे मिल जाएगा ये प्लांट। और आप ये प्लांट को आपका होम पे, ऑफिस पे और गार्डन पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो आप सारी बात बोल दिया, कैसे मिट्टी पे तैयार किया, कैसे कौन सा खाना दिया और किया, इस पर रोक लगता है, सारी बोल दिया। और एक बात बोलता हूँ, आप बहुत सारा लोग प्लांट का लीव बढ़ने के लिए प्लांट कटिंग करता है, बट इस प्लांट को कटिंग मत करना। कटिंग करेंगे तो ये प्लांट का मरने का चांस बहुत है, कटिंग मत करना। मैंने कोई कटिंग नहीं किया, ये ऑटोमेटिक बढ़ता है। देखिए ये जो रेड होता है ये वो लोज होता है और उसके बाद ग्रीन होता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, ऐसे ही करके ये प्लांट अब ग्रो कर सकता है। और देखिए मेरा 8 इंची पॉट में ये हो रहा है, 8 इंची पॉट में। मैं 4-5 दिन बाद ये बरसात में ये रिपोर्टिंग करूँगा बोला था। तो देखिए इस प्लांट को, आप भी इस प्लांट को आपका गार्डन पे कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही करके आप इस प्लांट को ग्रो कर सकता है और अच्छे से केयर लेंगे, जो जो टिप्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।